हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल भारतीस लाइफस्टाइल विद कुकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जो है अष्टमी का दिन है नवरात्रि का। तो नवरात्रि के अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पे यानी कि साउथ इंडिया में तेलुगु वालों में बहुत ही बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, बतकम्म सेलिब्रेट किया जाता है। और एवरी ईयर बहुत ही ग्रैंड से, तेलंगाना में आप जाओगे तो बहुत ही ग्रैंड से बतकम्म सेलिब्रेट करते हैं। बट ये वाले साल में कोविड की वजह से पता नहीं उतना ग्रैंड होगा कि नहीं, कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, तो फिर भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बतकम्मा जो होता है वो देवी माता का ही रूप है, तो वो फूलों से बतकम्मा बनता है। देन आफ्टर शाम के टाइम पे सभी लोग आज बतकम्मा बनाएंगे और सभी एक जगह पे मिल के उनकी पूजा करके फिर गरबा खेलते हैं। थोड़ी देर गरबा खेलने के बाद उनको जो है नदी में हो या फिर लेक में विसर्जन करना होता है। तो वही आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सुबह का 10 बज रहा है और सबसे पहले रंगोली डालना होता है, चौकट धोना होता है, क्योंकि हमारे में डेली तो चौकट धुल के फिर टीका वगैरह लगा के हम लोग रंगोली बनाते हैं, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब सबसे पहले रंगोली बनाते हैं, फिर खाना बनाना है। तो आज जल्दी खाना बनेगा क्योंकि बतकम्मा बनाने में 2-3 आवर्स तो लगता ही है, फिर लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग खाना बनाएंगे, देन आफ्टर बतकम्मा बनाएंगे मेरे सास और मैं मिलके। तो फिर शाम को जो है हम लोग नीचे जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप मेरी वीडियो में बने रहिए तो आपको भी पता चलेगा कि हम लोग बतकम्मा किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे हर एक जो भी वीडियोस होंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो, यहाँ पे मैंने चौकट धो के टीका लगा दिया है और रंगोली भी डाल दी हूँ कलरफुल। तो आज के दिन मैंने कलर्स यूज़ किया क्योंकि आज फेस्टिवल है, तो हमारे में सभी लोग इस तरह से रंगोली बनाते हैं डेली। अब थोड़ा चाय पी लेते हैं। चाय पीने से क्या होता है कि फ्रेशनेस आता है और उसके बाद काम स्टार्ट कर देते हैं। खाना भी बन चुका है ऑलरेडी, अब बतकम्मा बनाना स्टार्ट करना है। सो, यहाँ पे गेंदे के फूल है ऑरेंज कलर और येलो कलर के, और ये बादाम के पत्ते हैं, बतकम्मा में हमें यूज़ करना है। तो देखिए बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी फूल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है यही फूल अवेलेबल था तो हम लोग यही फूल यूज़ कर रहे हैं आज के दिन। और ये बादाम के पत्तों को छोटा छोटा काट लेना है क्योंकि बतकम्मा के बीच में हमें ये पत्ते डाल के बतकम्मा बनाना होता है, क्योंकि बतकम्मा स्टेबल रहता है, अदरवाइज़ वो टेढ़ा होने का चांसेस रहता है। तो उसके अंदर बहुत सारा पत्ता डालना होता है। तो यहाँ पे मैं पत्ते काट रही हूँ और ये बच्चे भी खेल रहे हैं मेरे साथ। ये दोनों मिलके बहुत ही मस्ती कर रहे थे। ये जो मतलब लड़की है वो मेरी ननंद की लड़की है और ये की अंश है। सो, यहाँ पे मेरे सासू माँ बतकम्मा बनाना स्टार्ट कर रही है। और पहले सबसे पहले बादाम के पत्ते इस तरह से रखना होता है ताकि जब हम लोग उसे विसर्जन करते हैं तो वो पूरा बतकम्मा हाथ में आना चाहिए। और इसमें कद्दू के पत्ते भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो भी रख रही है। फिर इसमें कुमकुम हल्दी डालना होता है और टीका लगाना होता है, उसके बाद फूल डाल के फिर वो बतकम्मा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ये लकड़ी है और वो गेंदे के फूल में बीच में लगाना होता है ताकि जब हम लोग राउंड राउंड बतकम्मा सजाते हैं तो वो स्टेबल रहेगा, हिलेगा नहीं। तो इस तरह से हमें गेंदे के फूल में लकड़ी लगाना होता है। तो इस तरह से मैं सभी फूलों को अरेंज कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सासू माँ उसके अंदर फूल डाल रही है और यहाँ पे मैं अरेंज कर रही हूँ गेंदे के फूल को। तो ये वाली जो मैं हाथ में पकड़ी हूँ ये पिंक एंड वाइट कलर की, ये बहुत ही मायने रखता है आज के दिन, इसे यूज़ ही करना होता है, ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और एक फूल आता है पर्पल कलर का छोटे छोटे, तो वो खासकर बतकम्मा में यूज़ किया जाता है, तो ये वाला फूल ये स्पेशली बतकम्मा का एक पहचान है, तो ये भी बहुत ही कम मिलता है। तो देखिए पहले इस तरह से बादाम के पत्ते बीच में डाल के फिर गोल गोल गेंदे के फूल को सजाना है। तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, कोई भी फूल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा राउंड लगा रहे हैं, तो लगाते अब जैसे जैसे एक राउंड कंप्लीट होता है ना वैसे वैसे उसमें पत्ते डालना होता है, तो वो टेढ़ा नहीं होगा।
तो यहाँ पे बहुत सारे पत्ते का यूज़ होता है। अब येलो कलर के बाद हम लोग ऑरेंज कलर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कलर दो ही है, तो वो वाला कलर यूज़ ऑरेंज कलर के बाद फिर हम लोग येलो कलर से बतकम्मा बनाएंगे। बतकम्मा बनाने में करीब 2-3 घंटे तो लगता ही है, और आप बड़ा बतकम्मा बनाओगे तो कम से कम 5 घंटे उसमें लगते हैं, तो पूरा दिन उसी में चला जाता है। तो ये वाला पिंक एंड वाइट कलर का फ्लावर मैं टॉप पे लगा रही हूँ, बतकम्मा के टॉप पे, तो वो ज़्यादा दिखेगा क्योंकि ये कम था तो उसे ऊपर ही लगाना बेटर लगा। और उसके बाद उसे पत्ते डाल रही हूँ बीच में, सो इसके ऊपर फिर से मैंने फूल लगा के इस तरह से हम लोग ने बतकम्मा तैयार कर लिया है और सजा दिया है। ऊपर गुलाब के फूल हम लोग ने यूज़ किया है और नीचे वाले डोरे में हम लोग ने छोड़ दिया है ताकि ऊपर से इसे बांधे, अगर हम लोग इसे विसर्जन करने के लिए लेके भी जाएँ तो मतलब हिले ना, तो इसे सिक्योर रहता है। तो ये रहा फाइनल लुक बतकम्मा का, देखिए कितना मस्त कलरफुल दिख रहा है। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, जो हम लोग ने सुबह बतकम्मा बनाए थे देवी माता, तो उसे अब हमें नीचे लेके जाना है और वहाँ पे गरबा होगा, हमारे में मतलब जैसे होता है वैसे गरबा होगा, और वहाँ पे देवी माता का पूजा होगा, गरबा होगा, देन आफ्टर बतकम्मा को जो है विसर्जन करना है। विसर्जन यहाँ पे थोड़ी दूर में एक मंदिर है देवी माता का, वहाँ के उसके बाजू में एक लेक है, वहीं पे हमें विसर्जन करना है। ये वाली जो लहंगा है ये वही है जो साड़ी कन्वर्ट इनटू लहंगा मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, बहुत अच्छा है। और आज मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो ये जो फेस्टिवल होता है बतकम्मा का, वो बहुत ही खास होता है हमारे में, सबसे बड़ा त्यौहार होता है आज का दिन, और सभी जो भी औरतें लड़कियाँ जो भी है सजस की आज के दिन वो गरबा खेलती है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे। सो ये रहा आज का लुक, मैंने इसे गुजराती स्टाइल में वेयर किया है दुपट्टे को। और जो मेकअप ट्यूटोरियल है इसका, जो मैंने मेकअप कैसे किया है वो जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, ये करवा चौथ के लिए भी बहुत अच्छा मेकअप है। सो बतकम्मा को हम लोग ने मंदिर में रखा था और पूजा किए थे, अब हम लोग इसको बतकम्मा को लेके नीचे जा रहे हैं। तो ये मेरी सासू माँ, ये मेरी देवरानी है और कियांश है, तो हम लोग नीचे जा रहे हैं बतकम्मा खेलने। सो यहाँ पे सभी लेडीज़ आए हुए थे और बीच में हम लोग ने सभी बतकम्मा रख के सबके बतकम्मा रख दिए थे, और इस तरह से हमारे में गरबा खेला जाता है। तो देखिए सब कितने कलरफुल साड़ीज़ वेयर करके आए हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ही भीड़ होता है, बट इस टाइम बहुत ही कम सेलिब्रेट किए हैं क्योंकि कोविड था, और 1 आवर तक हम लोग ने गरबा खेला, उसके बाद विसर्जन कर दिए थे क्योंकि 1 आवर का ही परमिशन मिला था। गरबा खेलने के बाद सभी लोग अपने अपने बतकम्मा लेके विसर्जन करना जाना है, तो मेरी सासू माँ हमारा बतकम्मा ले ली है, अब हम लोग जा रहे हैं लेक के पास जहाँ पे विसर्जन करना है। सो यहाँ पे कोविड की वजह से हम लोग को एंट्री नहीं मिली है अंदर, सिर्फ एक मेंबर को अंदर जाना है और बतकम्मा यहाँ के स्टाफ को दे देना है, और वही लोग विसर्जन कर रहे हैं। सो ये रहा बतकम्मा, इस तरह से पानी में विसर्जन किया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे हर एक जो भी वीडियोस होंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।